हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी मतलब आज का दिन होपफुली अच्छा जाए और कुछ आपको नया देखने को मिले, मेरे पहले व्लॉग जैसा ना हो जिसमें मैंने सिर्फ खाया था, सोई थी और मोबाइल यूज़ किया था। ओके, तो आज के इस व्लॉग में एक्चुअली अभी आप मेरे फेस पे थोड़ा बहुत स्लाइटली सा मेकअप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत। इसका रीज़न है कि मैं अभी ATM गई थी थोड़े बहुत यू नो पैसे निकालने में, तो पहले सोचा कि चलो आप लोगों को लेके चलते हैं और ATM तक अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट फिर लगा कि नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जब कभी मैं मार्केट जाऊँगी तब मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी, आपको अपने वो मायके की मार्केट दिखाऊँगी कैसी है। फ़िलहाल ATM तक गई थी क्योंकि एक मैंने ऑर्डर प्लेस किया था नायका पे, तो आज वो डिलीवर होना है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं गई थी ATM तक। सो अभी मेरा जो पार्सल है वो आने ही वाला है, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय का मुझे फ़ोन आ चुका है कि वो बस जस्ट निकल रहा है, आ रहा है 5 मिनट में। चलो देखते हैं कि मुझे क्या रिसीव होएगा नायका से। ओके, तो अभी आपने देखा कि मुझे नायका से एक पार्सल रिसीव हो चुका है और मैंने पैसे भी दे दिए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि मुझे नायका वालों ने नहीं भेजा है, मैंने खुद से ये चीज़ें मतलब ख़रीदी हैं। अब आप सोच रहे होगे यार इतना तो सब कुछ भेजते रहते हैं PR में, फिर भी क्यों ख़रीदा अपने पैसों से? तो यार भैया हर चीज़ नहीं मिलती है PR में, थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं नई, तो जो चीज़ मुझे नहीं थी मेरे पास वो मैंने मंगाई है। चलो कि सबसे पहले हम देखते हैं नायका से मुझे मैंने क्या क्या मंगाया उसकी, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग इस ब्लॉग में। ओके, तो सबसे पहला आइटम मुझे रिसीव हुआ है वो है ये लैक्मे का ऑल इन वन पैन केक। इसमें है फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, कंसीलर। इसका शेड मैंने लिया था, इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाएंगे। मैंने लिया था नेचुरल शेल, जो कि मेरा लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन में भी सेम शेड है, तो मैंने वो दिमाग में रख के इसको लिया है। और ये कुछ इस टाइप का, बहुत पैकेजिंग इसकी काफ़ी सही है, बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा यू नो हार्ड प्लास्टिक है ना बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी है। और इसको आप ओपन करोगे तो इसमें ना आपको कोई पफ मिलेगा ना ही कोई मिरर मिलेगा, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए 220 रुपीज़ में आपको एक पैनकेक मिल रहा है, वो भी लैक्मे जैसे ब्रांड से, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं आपको करना चाहिए। बट यहाँ पे पैकेजिंग की बात हो गई, मुझे ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में काम कैसा करता है, वो तो जब मैं यूज़ करूँगी तभी मैं बता पाऊँगी। सो फिलहाल अभी मैं इसको टच करके देखती हूँ, तो ये ड्राई नहीं है, ये वेट है, तो बिल्कुल एज अ फाउंडेशन की तरीके से है बट इन अ फॉर्म ऑफ पैनकेक। तो या और इसको ब्लेंड कर देंगे। फ्रेग्रेंस वही पुरानी लैक्मे वाली है, कुछ न्यू नहीं है, बट बहुत ज़्यादा माइल्ड टाइप की फ्रेग्रेंस हो गई है, बहुत हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर आप फ्रेग्रेंस आपको नहीं पसंद है तो मे बी आपको ये कॉम्पैक्ट चल जाएगा, मतलब पैनकेक चल जाएगा। तो फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि फाउंडेशन के बीच में यहाँ पे कॉम्पैक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्पैक्ट तो ड्राई होता है और ये कॉम्पैक्ट ड्राई नहीं है। चलो फिलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा कौन सा है। ओके, तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया है वो था ये लक्स का मैजिकल स्पेल बॉडी वॉश, फ्रेग्रेंस बॉडी वॉश। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा फर्स्ट एवर बॉडी वॉश है जो मैंने मतलब यूज़ किया था। आई थिंक मैंने सन 2012-13 की मैं बात बता रही हूँ, मैं तब इसे यूज़ करती थी, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, मतलब अभी तो 2019 चल रहा है और मैं 12 की बात बता रही हूँ, 12-13 की। इसकी स्मेल सेम अभी भी वैसी ही है, उतनी ही ज़बरदस्त है। इसको लगाने के बाद आपको किसी डीओ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कोई पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बहुत ज़बरदस्त है। क्वांटिटी वाइज इतना बड़ा आप देख सकते हो, जस्ट 99 रुपीज़ का है, बहुत सही प्राइस पॉइंट है इसकी। इसकी क्वांटिटी है, नेट वॉल्यूम है 235 ml, मतलब इतना बड़ा है और इतना ज़रा सा, आप 2 पॉइंट ले लो ना पूरे आप मतलब आप बॉडी मतलब नहा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मतलब झाग देता है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद है और मैं इसको काफ़ी टाइम से मंगाना चाह रही थी, तो फाइनली मैंने मंगा लिया। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ब्लू हेवन एलिगेंस के मैट लिप कलर। मैंने 6 शायद मंगाए हैं, नहीं मैंने 5 मंगाए हैं, और आई एम रियली हैप्पी कि कोई भी सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट हैं। अभी लास्ट में मैं इसको थोड़ा स्वेचेस डाल दूँगी। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं मैंने कौन सा मंगाया। मैंने मंगाया था, मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था मेरा ये पैक का HD फाउंडेशन।
HD लिक्विड फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है, शेड पूछना चालू करो, उससे पहले मैं बता दूँ 2.5 है शेड मेरा, मैंने मंगाया है, अब देखते हैं मुझे कितना ही सही शेड आता है। तो फिलहाल अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ मैं कैसा है। अगर आपको इस पर एक डिटेल रिव्यू चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू डू अ रिव्यू। तो ये है वो फाउंडेशन, देखने से तो लग रहा है कि मुझे ये बिल्कुल सही आ जाएगा मतलब, और ये इस टाइप से आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। सो यहाँ पे ये है, और इसमें लॉक सिस्टम भी है, ये इसका कैप है, छोटू सा कैप है, काफ़ी सही है यार। ओके तो देखते हैं इसका कलर, ये ये है इसका कलर, चलो मैं ब्लेंड करती हूँ इसको। ओके तो मुझे लग रहा है कि ये ब्लेंड होने के बाद काफ़ी मेरी स्किन टोन में आ जाएगा, देखती हूँ। तो मेरी स्किन टोन से काफ़ी हद तक ये मैच कर गया है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है मैंने कुछ लगाया है, और अभी मैं फ़िलहाल तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, जब मैं बिल्कुल मेकअप रिमूव करूँगी तभी मैं बता सकती हूँ कि ये कैसा आएगा मेरे फेस पे। नाउ नेक्स्ट, अभी हम ब्लू हेवन के जो लिप कलर्स मैंने मंगाया उसके कलर देखते हैं, स्वैचेस देखते हैं कि कैसा है। तो पहला जो कलर मैंने मंगाया है वो है 01, और इसमें शेड नंबर है, शेड नेम नहीं है, बॉटल बहुत प्यारी है इसकी। तो चलो देखते हैं कैसा है, ये मुझे स्लाइटली पिंक कलर लग रहा है। ओके काफ़ी डार्क रेडिश पिंक कलर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर रेड नहीं है और प्रॉपर पिंक नहीं है, रेडिश पिंक काइंड ऑफ कलर है। आई डोंट नो कि कैमरे पे इतना रेड क्यों आ रहा है, बट ये रेड उतना कलर नहीं है, शायद लाइटिंग की कोई दिक्कत हो, बट ये प्रॉपर एक पिंक, बहुत डार्क रेडिश पिंक जो कलर होता है ना, वैसा कलर है ये। तो फर्स्ट कलर मेरा ये हो गया। देन इसके बाद मैंने शेड नंबर 5 मंगाया था, जो कि बहुत डार्क प्लम शेड है, और मेरे पास इस टाइप का कोई शेड नहीं था। प्रिटी शेड है और बिल्कुल डिट्टो वैसे ही कैमरे पे आ रहा जैसा ये है, इवन उससे और डार्क ही है रियल में, बहुत प्रिटी शेड है, मुझे ये शेड काफ़ी पसंद आया। देन इसके बाद है शेड 7 मैंने मंगाया था, इसकी क्वांटिटी है 6 ml, इन केस आप जानना चाहो तो। ये शेड भी मेरे पास आई गेस नहीं है, बहुत लिक्विडी है लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा यू नो पिगमेंटेड नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है इसको स्वैच करने पर। ये है वो शेड, आप देख सकते हो इस पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यू नो पैचेस नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ है। अभी मैं इसको लिप्स पे लगाऊंगी तब बता सकती हूँ कि कैसा है। तो ये दो शेड इन रियल काफ़ी डिफरेंट हैं, आपको शायद कैमरे पे बिल्कुल सेम दिख रहे हो बट काफ़ी डिफरेंट कलर है ये, और ड्राई होने पे शायद और पता चले। आप देख सकते हो यहाँ से कि ये वाला काफ़ी डार्क है, ये वाला काफ़ी लाइट है, और ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट। ओके तो नेक्स्ट शेड है 08 प्रॉपर पिंक शेड है आई गेस, या पिंक शेड है, और ये शेड मेरे पास काफ़ी है बट ओके कोई नहीं, इतने में ये चलता है। तो ये है शेड, ये काफ़ी हद तक स्टेप होगी का जो कलर गोल्स शेड है 05 आई गेस वो भी है, तो उस जैसा है कुछ। नेक्स्ट शेड मैंने मंगाया था 11 शेड नंबर, और ये है न्यूड कलर। ओह नो, ये तो बिल्कुल पानी जैसा है, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, मेरा फेस बिल्कुल ही वॉश आउट कर देगा। स्टिल चलो देखते हैं, ये है वो शेड, मीडियम स्किन टोन के लिए नहीं है ये, फेयर हो तो लगा सकते हो बट मीडियम वालों के लिए नहीं है, बहुत कायदे से वॉश आउट कर देगा आपके फेस को। तो ये है मेरे 5 शेड, सारे के सारे डिफरेंट हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। वो वाला तो काफ़ी ऑरेंजिश टोन में आ गया है, ड्राई होने के बाद तो काफ़ी ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, आप देख सकते हो ड्राई हो चुके हैं सारे कलर। सो ये थे मेरे टोटल आइटम, मैंने नायका से इतनी चीज़ें परचेज़ करी हैं, और इसके लिए मैंने पे किए हैं ऑलमोस्ट 1779 रुपीज़। सो नाउ ब्लॉग के एंड का टाइम आ चुका है, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा मेकअप किट जो मैं लेकर आई हूँ अपने साथ।
चलो हम देख लेते हैं कि उस मेकअप किट में, मतलब मैंने अपने ट्रैवल मेकअप किट में क्या क्या रखा हुआ है, जो कि प्रोडक्ट मुझे काफ़ी सही लगते हैं, सूटेबल है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, स्किन टेक्सचर के हिसाब से मैं वही लेकर आई हूँ। तो मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा एक बैग है, सो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और आई एम रियली सॉरी अगर आपको बहुत आवाज़ भारी भारी लग रही हो, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मैं रैंडमली प्रोडक्ट्स उठा लूँगी जो भी मेरे हाथ में आएगा। मैं इसमें आपको ब्रशेस एंड ऑल्सो टूल्स भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ लैक्मे 925 की सीसी क्रीम, इसमें मेरा शेड है ब्रॉन्ज और ये मेरी गो टू क्रीम है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और लैक्मे की पहले मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती थी, बट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये तो ऑलमोस्ट यू नो एम्प्टी पर है, तो मैं न्यू बाय करने का सोच रही हूँ। तो पहला तो मेरा आइटम ये हो गया। देन इसके बाद प्राइमर के लिए मैं लेकर आई हूँ पर्पल का ये ट्रू ज्वेल 24 गोल्ड प्राइमर, और ये प्राइमर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेस्ट है, आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए, पम के साथ आता है। सो ये मेरा नेक्स्ट आइटम हो गया। देन इसके बाद फॉर फाउंडेशन मैं लेकर आई हूँ स्टेक वर्की का लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन, ये है, इसमें मेरा शेड है 01 आई गेस, और इसमें भी पम्प है और बहुत सही कवरेज देता है। तो नेक्स्ट आइटम मेरा ये हो गया। इसके बाद लेट मी चेक कि मैं और क्या क्या लेके आई हूँ। इसके बाद कंसीलर के लिए मैं स्टेक वर्की का बैड एस लेकर आई हूँ कॉन्टोर कंसीलर कलर करेक्टर पैलेट, इसमें मेरा शेड है 06, वो ये शेड कुछ इस टाइप का लगता है। इसमें तीन शेड्स हैं, एक कलर करेक्टर है, कॉन्टोर है और कंसीलर है। ब्रश के साथ आता है, बहुत हैंडी और बहुत क्यूट सा है, सो मैं इसको लेकर आई। हालांकि मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया, सो आई डोंट नो कि ये कैसा है। ओके, देन इसके बाद अपने फेस को सेट करने के लिए मैं लेकर आई स्टेक वर्की का ही कॉम्पैक्ट, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑलमोस्ट मैं बहुत यूज़ करती हूँ उसको। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद मैं लेकर आई हूँ स्टेक वर्की का लूज पाउडर। बाय द वे अगर मैं यू नो बहुत हैवी मेकअप करूँ तो इसके लिए मैं ये लूज पाउडर लेकर आई थी। इसमें मेरा शेड है हिट 2, सेकेंड शेड है। एंड इसके बाद मैं लेकर आई हूँ ब्लश के लिए, मैं लेकर आई हूँ ये पलाडियो का मैट ब्लश, और ब्रॉन्जर लेकर आई हूँ सिवाना कलर्स का, पैलेट लेकर आए हैं आई शेडो लैक्मे का, और ये वाला पैलेट है कुछ इस टाइप का, इसमें बहुत सारे कलर हैं। और एक पैलेट और लेकर आई हूँ मैं, वो है फोकालोर का, वो इस बैग में नहीं है, वो मेरे बड़े बैग में है, तो वो भी है फोकालोर का। एक ये है मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर ब्रेक, इसमें हाइलाइटर है और सब कुछ है, तो उस वजह से मैंने ये लिया। इसके बाद आईब्रोज़ के लिए मैं ये लेकर आई हूँ मेबेलिन ड्यू शेपर, तो एक मैं NYB का भी ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल लेकर आई हूँ, आई गेस मैं भूल से लेकर आई हूँ क्योंकि दो दो हो गए हैं, मैं दो दो नहीं लेकर आना चाह रही थी। मस्कारा के लिए मैं लेकर आई हूँ पर्पल का मस्कारा, वॉल्यूमिनाइज मस्कारा। लिपस्टिक्स भी लेकर आई हूँ, इससे पहले मैं आपको आईलाइनर दिखा देती हूँ। मैं लेकर आई हूँ ये NYB का आईलाइनर, सॉरी इसमें मैं दो शेड्स लेकर आई हूँ, एक ब्लैक और एक ब्लू। और इसके बाद मैं काजल में लेकर आई हूँ, ये बेला वॉस्टे का काजल है, इसका कैप खो गया है, स्मज के साथ आता है, और ये पर्पल का है आई पेंसिल आई मेगो, और इसमें मेरा शेड है ब्लू कलर, बहुत प्रिटी ब्लू कलर है, जिसे मैं इसको लेकर आई हूँ। एंड नाउ अब लिपस्टिक की बारी आती है, तो लिपस्टिक के लिए मैं एक NYB का ये ब्राउन शेड लेकर आई हूँ, इसमें शेड है 5। इसके बाद मैं लेकर आई हूँ शेड 12 NYB में, बहुत ब्यूटी शेड है। और स्टेक वर्की में मैं लेकर आई हूँ नॉटी कन्वर्जेशन स्टार्टर, ब्लॉग में मैंने बीच ब्लॉग में यही लिपस्टिक लगाई हुई थी, अगर शायद आपने देखा हो। और इसके बाद मैं एक लेकर आई हूँ शेड स्टाइल्स की मेकअप स्टोरी, द मेकअप स्टोरी, इसमें मेरा शेड है ओ हीरोइन 03। इसके स्वेचेस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैंने सारे शेड परचेज़ किए थे। आई ग्लू मतलब लेकर आई हूँ आई लैश ग्लू है ये पैक का, और इसमें मैं अपने साथ आई लैशेज़ भी लेकर आई हूँ, बट वो मुझे इस बैग में नहीं दिख रहा है, आई गेस मैंने बहुत दूसरे बैग में, तो वो ये है। एंड देन इसके बाद एक लैश कर्लर है इसमें। और नाउ अब हम बताते हैं आपको ब्रशेज़, तो ब्रश के लिए मैं एक ये फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए लेकर आई हूँ,
कॉन्ट्रोल को ब्लेंड करने के लिए ये वाला लेकर आई हूँ और पाउडर के लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ और अपनी अंडर आई को सेट करने के लिए भी मैं इससे यूज़ कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट इसके बाद मैं ये कुछ मेकअप ब्रशेज़ लेकर आई हूँ, आई मेकअप ब्रशेज जो रैंडम मैंने पिक कर लिए थे बट थोड़े बहुत गंदे भी हैं, मैंने कहा था इसको यहाँ पे धुलूँगी मैं, तो ये है। और इसके अलावा टिश्यू पेपर जो कि मेरे पास रहते रहते हैं, तो टिश्यू पेपर है इस बैग में रहते रहते हैं। तो इतना ही था मेरे पास सामान, इतना था मेकअप किट में। तो आई होप कि आपको मेरा मेकअप किट देख के अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो आई होप और मज़ा आया होगा। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मेक श्योर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें इन सब की प्रोडक्ट की लिंक्स के लिए। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।